गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा अभी मैंने आपको बता रहा हूं, मैं संदीप शर्मा आपके साथ स्पेशली जो चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा पूरी एक टीम के द्वारा जो स्पेशली प्रिपेयर किया जा रहा है, ये आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये आपको पूरा सिलेबस बताया जा रहा है, जो 40 नंबर का एक तरीके से एनटीपीसी में आ रहा है जनरल अवेयरनेस, और जो 20 नंबर का ग्रुप डी में आ रहा है। चलिए उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए, अभी तक के जो हमने आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है प्लानिंग कमीशन के बारे में। आज हम आपके हम उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का समय 2019 का दौर प्लानिंग कमीशन का नहीं रहा है, आज का दौर हो गया है नीति आयोग का। चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो नीति आयोग है वो काम कैसे करता है और उसकी संरचना कैसे है। सबसे पहले जो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका कि नीति आयोग, नीति NITI इंग्लिश में नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। हिंदी में नीति का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स, आज का भारत है, नवयुग का भारत है और नए सपनों का भारत है, जिसके लिए नीति आयोग का गठन किया गया। अब इंग्लिश में अगर इसका हम अगर फुल फॉर्म देखें, इसका इंग्लिश में फिर फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके एनटीपीसी रेलवे में बनना तय है, इसका आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई और इसकी जो अवधि है वो 15 वर्ष की होगी, इसकी अवधि टोटल 15 वर्ष की होगी। ये पंचवर्षीय की तरह 5 वर्ष की योजना नहीं बनाएगा और इसमें 7 साल के विस्तृत प्लान होंगे। विस्तृत का मतलब होता है बहुत ज्यादा सोची समझी रणनीति के अनुसार भारत सरकार देश को आगे बढ़ा के लेके जाएगी, तथा इसे 3 साल का एक्शन प्लान भी होगा। जो एक्शन प्लान 2017 से 2020 तक चल रहा है, अभी 3 साल का एक्शन प्लान चल रहा है, क्योंकि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो नेक्स्ट वीडियो था कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी जो 12th 5-year plan था उसकी एक तरीके से अवधि 2012 से 2017 थी। अब जो चल रहा है वो नीति आयोग का 3 साल का एक्शन प्लान चल रहा है, इतना याद रखिएगा। और जो नीति आयोग की अवधि है वो 15 वर्ष के लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन योजना का है भारत निर्माण करने के लिए। इसे भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहते हैं। ये कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का थिंक टैंक क्या है, आपको सीधे मारना है नीति आयोग कि थिंक टैंक का तात्पर्य क्या है। थिंक टैंक का तात्पर्य साफ है कि यहां पे योजनाएं बनाई जाएंगी जो भारत के नव भारत की ओर लेके जाएंगी और भारत को एक महाशक्ति बनाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है भारत को विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था में ले जाने की जो गवर्नमेंट की जो सोच है वो थिंक टैंक में दर्शाई गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की संरचना। कहने का तात्पर्य है नीति आयोग कैसा होगा। सबसे पहले अगर अध्यक्ष की बात करें तो उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, जो श्री नरेंद्र मोदी, श्री दामोदर मोदी हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं ये इसके अध्यक्ष हैं जो प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष अभी के जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, लेकिन आपको ये बता दें ये पहले नंबर के नहीं हैं, ये कौन से नंबर के हैं, दूसरे नंबर के हैं उपाध्यक्ष। पहले नंबर के जो उपाध्यक्ष हैं वो थे श्री अरविंद पनगड़िया, जाने माने अर्थशास्त्री, अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर का काम कर रहे हैं, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये कब तक थे, 1 जनवरी 2015 से 31 अगस्त 2017 तक थे। 31 अगस्त 2017 से आज 2019 तक कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार, इनको नोट कर लीजिए, उपाध्यक्ष हैं जो। इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सीईओ, सीईओ का फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसकी भी संरचना की गई है नीति आयोग के अंदर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन है, वर्तमान में श्री अमिताभ कांत हैं, वर्तमान में अभी श्री अमिताभ कांत हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें स्टूडेंट्स ये कौन से नंबर के हैं, दूसरे नंबर के हैं। और अगर हम बात करें, आप देखिए प्रथम सीईओ, अगर नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ थे वो थे श्रीमती सिंधु श्री खुल्लर, जानी मानी आईएएस थी, आईएएस कैडर की अधिकारी थी,
ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2015 तक सीईओ थी किसकी, नीति आयोग की। फिर उनके बाद आपके कौन आ गए, श्री अमिताभ कांत, जो आज भी इस पद पर डटे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, इनके पूर्णकालीन सदस्य देखिए। अब हम नीति की रचना कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा आपको समझाने में आसानी होगी कि जो एक तरीके से अकबर सम्राट था उनके यहां पे नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न का क्या तात्पर्य है, नवरत्न का तात्पर्य यह है कि अपनी अकबर ने सरकार चलाने के लिए जो सबसे टॉप मोस्ट लोग थे हर जगह से हर विधा से उनको उठाया और एक नवरत्न की कैटेगरी में उनको लेके आए। वही तर्क वही चीजें उठा के जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक नए क्लेवर में नीति आयोग की संरचना की और उसमें जो पूर्णकालीन सदस्य हैं जो टॉप मोस्ट सदस्य हैं उनका गठन किया गया। उनके नाम हैं डॉक्टर विवेक देबोरॉय, जाने माने अर्थशास्त्री हैं पहला नाम। फिर उसके बाद श्री विजय कुमार सारस्वत, ये DRDO के हेड रह चुके हैं। डॉक्टर वी के पॉल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसका नाम क्या है, एम्स के जाने माने डॉक्टर हैं। प्रोफेसर रमेश चंद्र, कृषि विशेषज्ञ हैं। कहने का तात्पर्य यह है भारत में जो भारत के टॉप मोस्ट लोग हैं उनको उठा के हमने पूर्णकालीन सदस्य में रखा। और इसके बाद इसके पदेन सदस्य भी हैं, पदेन सदस्य अपना एक तरीके से जो उनकी सोच है वो ऊपर फॉरवर्ड कर सकते हैं पूर्णकालीन सदस्य को। श्री राजनाथ सिंह, इनके बारे में आपको क्या बताएं, ये हमारे गृह मंत्री हैं। श्री अरुण जेटली, ये हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। श्री पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं और श्री राधा मोहन सिंह जो कृषि मंत्री हैं। इसके बाद अगर आप विशेष आमंत्रण भी दिया गया है लोगों को, देखिए उनके नाम क्या है, श्री नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, श्री भंवरचंद गहलोत ये भी केंद्रीय मंत्री हैं और श्री प्रकाश जावड़ेकर ये भी केंद्रीय मंत्री हैं। और क्योंकि सास भी कभी बहू फेम, श्रीमती स्मृति ईरानी ये भी इसमें विशेष तौर पे आमंत्रित एक तरीके से सदस्यों में है। कहने का तात्पर्य यह है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो विजन है भारत एक महाशक्ति बने 21वीं शताब्दी में, उसका नीति आयोग में प्रॉपर प्लान बनाया गया है। और अब योजना आयोग के पंचवर्षीय प्लान नहीं रह गए हैं, अब नीति आयोग के एक तरीके से रूपरेखा में देश आगे बढ़ेगा। आइए सबसे पहले हम आपको देखते हैं, इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो सबसे पहले हम आपको बता दें नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस है। मैं सर से भी कहूंगा कि थोड़ा सा अगर एक तरीके से अगर हम आपको समझाना चाहें तो सबसे पहले अगर आप देखें, अगर आप एक मैं ट्रायंगल से आपको समझाता हूं कि कोई भी संस्था टॉप मिडिल और लोअर तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है। भी कोई भी संस्था टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, ये रहा हमने, ये प्लानिंग कमीशन है और ये नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, जो भी केंद्र सरकार जो भी योजनाएं बनाती थी वो फॉरवर्ड करती थी राज्य सरकार को, राज्य सरकार को वो चीज मानना पड़ता था, यानी जो अप्रोच था वो टॉप टू बॉटम था, यानी ऊपर से नीचे, यानी ऊपर जो योजना बन गई वो नीचे वाले को मानना तय है। लेकिन अगर हम बात करें नीति आयोग की, नीति आयोग में सबसे अच्छी बात दी गई है कि इसमें राज्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार प्लान बना के किसको देंगे, केंद्र सरकार को, यानी बॉटम टू टॉप अप्रोच है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीचे से जो व्यक्ति रहेगा वो ऊपर अपनी प्लान देगा और भारत को शक्तिशाली बनाएगा। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग में मुख्य अंतर क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले आपको बता दें वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति में अगर देखा जाए एक सलाहकार निकाय या थिंक टैंक है। क्या चीज, नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा। कहने का तात्पर्य यह है ये अपनी योजनाओं को एक निर्देश के रूप में और जो भी सलाहकार के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नीति योजना आयोग की, तो योजना आयोग क्या करेगा, मंत्रालय और राज्यों को कोषों के आवंटन की शक्ति थी। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्रालय और राज्य सरकारों को कोषों के आवंटन की शक्ति प्रदान की गई थी।
पूर्णकालीन सदस्य। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। योजना आयोग की पहली बात तो योजना आयोग में जो अंतिम पूर्णकालीन अंतिम योजना आयोग थी 2012 से 17 में, उसमें कितने सदस्य थे? 8 पूर्णकालीन सदस्य थे। लेकिन अगर हम बात करें नीति आयोग की फुल टाइम मेंबर्स में तो योजना आयोग की तुलना में कम, जैसे कि अभी मैंने बताया अभी सिर्फ 4 ही पूर्णकालीन सदस्य है। इसके बाद सदस्य सचिव सीईओ मुख्य, अगर हम देखें योजना आयोग में तो सचिव का चयन सामान्य प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। सामान्य प्रक्रिया के द्वारा यानी कि पहले वो आईएएस था, आईएएस ऊपर अगर सेक्रेटरी बन गया और अगर अपनी पदोन्नति के अनुसार चलता। लेकिन जो सीईओ है नीति आयोग में वो किसके द्वारा चुना जाएगा? वो चुना जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, और वो व्यक्ति एक तरीके से हर चीज में परिपूर्ण होगा और नए भारत की ओर हमको लेके चलेगा। इसके बाद राज्य की भूमिका अगर देखा जाए, राज्यों की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद, अगर हम योजना आयोग की बात करें हमने आपको कई बार बताया है एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और योजना आयोग की वार्षिक बातचीत तक ही सीमित था, इसमें कोई ज्यादा इसमें प्रभाव नहीं था। लेकिन राज्य की भूमिका नीति आयोग में योजना आयोग से अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने अभी बताया था बॉटम टू टॉप अप्रोच है, यानी केंद्र सरकार को राज्य सरकार अपने अनुसार प्लान बनाएगा और वो किसको फॉरवर्ड करेगा? केंद्र सरकार को। अब आज के समय का भारत नीति पे आधारित है, नीति आयोग पे आधारित है, और आपको ये बता दें कि आगे आने वाला भारत महाशक्ति बनने को तैयार है। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो आपको हमने बताया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के बारे में, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये यूट्यूब वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज की देन है, और एट लास्ट अगर आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8299310097, और आपको एक तरह से हम अगर फिर भी अगर लिख दे रहे हैं नंबर, अगर आप नंबर एक तरीके से लिख लीजिए 8299310097। देखिए स्टूडेंट्स मौके बार बार नहीं आते हैं, चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज स्टूडेंट्स को बढ़ाने के लिए नित नए नए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, इसी मौके को अपना आखिरी मौका बनाते हुए सिलेक्शन की ओर अग्रसर रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।